अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एंटी डेट हैकिंग वाला सिस्टम दिखा रहा हूँ। जो लोग डेट हैक करके ना चीटिंग के ज़रिए आपके पैनल से लाइनें निकालते थे ना, तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन निकाला है जिसमें आपकी जो लाइन वो है वो वाली जो चीटिंग से जनरेट हो तो मुकम्मल डिलीट हो जाती है, बाकी आपका जो रिसेलर है वो बैन पे चला जाता है और उसकी सारी क्रिएट की हुई पैड लाइनें जो है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो चले आए आपको हम दिखाते हैं जो ब्लॉक वाला सेक्शन है ना, उसमें ये होता है कि इनेबल डिसेबल तो आपका रिसेलर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक अनब्लॉक जो है वो सिर्फ एडमिन कर सकता है एक्सट्रीम में। तो चलो आपको हम अभी दिखाते हैं एक रिसेलर के थ्रू हम लॉगिन होते हैं ना उसमें चीटिंग करते तो दिखाते हैं कि उस पर हमने कैसा सिस्टम अप्लाई किया हुआ है। तो जी हम लॉगिन होते हैं इस रिसेलर से, ठीक है जी। यहाँ पर रिसेलर का बैलेंस ज़ीरो है, यहाँ नोट कीजिए रिसेलर बैलेंस ज़ीरो है और उसके साथ जो ऑफिशियल लाइनें हैं वो ये लाइनें पड़ी हैं, ठीक है। और मैं आता हूँ जी इसकी टेस्ट लाइनों पे, तो यहाँ से मैं देखता हूँ टेस्ट लाइन पे इंस्पेक्ट करके हैकिंग वाला मेथड अप्लाई करने का कर रहा हूँ ना, तो इसका पैकेज वैल्यू जो है 2 है, ठीक है टेस्ट वाला। और अभी हम जाके ना इसमें चीटिंग से एक ऑफिशियल लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका हम इंस्पेक्ट करके इसको पैकेज की जो वैल्यू है उसको चेंज करके 2 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये हो गए हमारे साथ। इसको हम क्लोज करके ये हो गया हमारे साथ जी टेस्ट वाला पैकेज, तो पैड में आ गए जी, ये लाइन हो गया जी जनरेट पैड में। इसको हम एडिट करते हैं ताकि, ठीक है जी, पहचान हो इसको, ताकि आप लोगों को इसकी पहचान हो। ये लाइन बन गई 28 इसकी, ठीक है। इसका अभी हम नोट करते हैं क्या है, इसका 253 जो है ना आईडी है, ठीक है। अभी हम आते हैं इधर, तो इसको 50 टाइम जितनी भी आपने रन करना है वो आपको ऑलरेडी पता है। और लैब इसकी आईडी क्या थी जी, यहाँ पर दोबारा नोट करना पड़ेगा, 253 इसकी आईडी है। तो यहाँ पर हम 253 कर लेते हैं और पैकेज की जो आईडी हमारे टेस्ट की है वो 2 ही है, ठीक है। तो ये 2 अपने हो, तो हम इसको ट्राई करते हैं। ये जी रनिंग पे आ गया जी, और यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। हम इसको टेस्ट करते हैं ये ऑफिशियल लाइन पे क्लिक करके, तो ये 22 मई पे चला गया, ठीक है। बैलेंस 0 है और ये 22 मई पे चला गया। अभी हमारा सिस्टम थोड़ी देर में इस पे अपना काम कर जाएगा, जिसके साथ ये लाइन बिल्कुल डिलीट हो जाएगी, बाकी लाइन ब्लॉक पर चली जाएगी। तो चलिए हम इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं ताकि काम हुआ है कि नहीं इसका। ये हो गया जी, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको उड़ा लिया। यूज़र चूँकि अभी लॉगिन है, जैसे ही लॉग आउट होता है तो दोबारा लॉगिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ब्लॉक पे चला गया। तो इसका ये लाइन जो है ये बिल्कुल उड़ गया होगा, ठीक है। मैं एडमिन सेक्शन से आपको दिखा दूँगा, बाकी लाइन उसके ब्लॉक पर चले गई। तो ये ब्लॉक का जो है यहाँ पर ये इनेबल डिसेबल का कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि एडमिन की तरफ से ब्लॉक होता है ना, तो जो नॉर्मल इनेबल डिसेबल होता है वो रिसेलर ही कर सकता है, लेकिन ये जो सेक्शन है ये एडमिन की तरफ से है। तो आइए हम लॉग आउट होकर इसको दोबारा लॉगिन होने की चेक करते हैं कि ये लॉगिन होता भी है कि नहीं होता। तो चलो हम इसको दोबारा लॉगिन करते हैं 0304 0346 0032। अच्छा जी लॉगिन होने के ट्राई करते हैं, देखते हैं लॉगिन होता भी है कि नहीं। जी ये लॉगिन नहीं हो रहा। चलो हम एडमिन सेक्शन पे जाते हैं, एडमिन सेक्शन पे चेक करते हैं क्या हुआ इसके साथ। 8 9 4 6 हम जी लॉगिन हो गए यहाँ पर। आप यहाँ रजिस्टर हो के अपना चेक भी कर सकते हैं, रजिस्टर थ्रू ईमेल है, ईमेल पे लिंक चला जाएगा आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हो जी। अच्छा मैनेज लाइंस पे पहले आते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं इसके लाइनों को, ठीक है। तो ये जी नेट थोड़ा स्लो है, माजर चाहता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक दोबारा इंटर करना पड़ेगा। अच्छा जी ये वो लाइनें हैं जो ब्लॉक पे चली गई, बाकी रिसेलरों की लाइनें जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये लाइनें ब्लॉक पे चली गई है इसके, और इस ये ऑफिशियल लाइनें हैं इसकी जो ऑलरेडी बाय की थी उसने, ये ब्लॉक पे चली गई। जो चीटिंग से होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होती जाएगी। यूज़र चेक करते हैं यूज़र काम कर रहा है कि नहीं, मैनेज रजिस्टर यूज़र कहते हैं। ये नेट का थोड़ा इशू है, थोड़ा स्लो है। अच्छा ये आ गया जी, हमारा जो रिसेलर है वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है, और उसका बैलेंस ऑलरेडी 0 ही था,
तो ये ब्लॉक पे चला गया, ऑफिशियल लाइन A4 है इसके साथ। तो ये हमारा एक सिस्टम है जो चीटर्स को ना मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करता है। फिर अगर आप रिसेलर से एग्री होते हो दोबारा ऑन कर सकते हो, नहीं तो उसका खाता ख़त्म यहाँ पर। तो ये हमने किया है, आप लोग यहाँ पर रजिस्टर होकर ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर थ्रू रजिस्ट्रेशन थ्रू ईमेल है, ठीक है। तो आप अपना कोई सा अकाउंट भी इसमें रजिस्टर करके ट्राई कर लो, किसी को ये वाला हैकिंग आता हो तो ट्राई करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये जी पैनल है, इसका एक्सट्रीम का एक एरर था जो हमने सॉल्व किया। मेहरबानी जी।